तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे चार बिजनेसेस जो कि आप घर से शुरू कर सकते हो, कम से कम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो और महीने का 50,000 से लाख रुपए की इनकम कर सकते हो। और दोस्तों ये चार बिजनेसेस ऐसे हैं कि वो सालों साल चलते हैं। और दोस्तों इन्हीं चार बिजनेसेस की जानकारी लेने के लिए मैं आज आ गया हूँ कोलकाता में मिस्टर सुजीत सर से मिले, जहां पर सर खुद ये चार बिजनेसेस करते हैं और लोगों से भी वो करवाते हैं, मतलब लोगों को वो ट्रेनिंग भी देते हैं और ये चार बिजनेसेस शुरू करने में मदद भी करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुजीत है। 150 से भी ज्यादा लोगों को मैंने ये बिजनेस सिखाया जो आज सक्सेसफुली बिजनेस कर रहा है। तो सर आगे जो आप चार बिजनेसेस के बारे में बताओगे वो क्या है वो जरा बताइए। तो आगे जो चार बिजनेसेस है हम लोगों के पास जो हम लोग खुद करते हैं, तो जैसे कि ये लॉन्ग टर्म में चलता है, मतलब ये इसका डिमांड कभी भी खत्म नहीं होगा। जैसे जो कोई भी बिजनेस होगा तो ये तो जरूरी है। इसका प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज्यादा होता है और इन्वेस्टमेंट में भी बहुत कम होता है। और ये बिजनेस सबसे ज्यादा मेन बात है कि आप घर से शुरू कर सकते हो। अच्छा। एक छोटे से, और सब इससे भी ज्यादा जो फायदे वाला है कि कोई कॉपी नहीं कर सकता। बिजनेस में एक चैलेंजेस आता है। अच्छा। कि आप कुछ भी बिजनेस करो, देखो बाद में एक पास में खड़ा कर दिया, तो ये इजीली कॉपी नहीं होगा। ये बिजनेस को आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हो। तो इंडिया का कोई भी कॉर्नर से अगर आपको कुछ ऑर्डर आया तो वही आप करके वहाँ सप्लाई कर सकते हो। तो ये और एक है जो हम लोग सोचते हैं कि बिजनेस ऐसा करना है जो दूसरे के प्रॉब्लम सॉल्व करे। हाँ, तो यही है हम लोगों का चार बिजनेस जो आज हम बताने वाला है। तो सर अगर कोई चार बिजनेस करता है तो वो कितनी कमाई कर सकता है, ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है हमारे चैनल का। देखिए बिजनेस है, बिजनेस में तो कोई नौकरी के जैसे आपको पहले से ही पैसा ज्यादा नहीं देगा, पहले तो मेहनत करना पड़ता है। बिजनेस ऐसा होता है कि एक पेड़ के जैसा है, उसको पहले छोटे से बड़ा करना पड़ता है, उसके बाद में पैसा मिलता है। तो उसी हिसाब से पहले आप मेहनत करो और उसके बाद देखो, 6 महीने जाने दो बिजनेस के ऊपर, आप उसके बाद देखो कि 50 से 1 लाख रुपया इनकम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज है, हम लोग जो दिखाने वाले हैं आगे, आप देखो कि इतना सारे प्रोडक्ट है, आप बना के थक जाओगे लेकिन ये प्रोडक्ट का डिमांड कभी खत्म नहीं होगा। तो दोस्तों सारे जो चार बिजनेसेस है अलग अलग, वो सर स्टेप बाय स्टेप एक एक समझाने वाले हैं। तो वीडियो में आप आखिर तक जरूर बने रहिए, जिससे कि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। और इसे प्रॉफिट कितना होगा, इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी, आपको ये बिजनेस अगर सीखने हैं और करने भी आपके एरिया में तो वो कैसे कर सकते हो, सारी जानकारी सर हमें देंगे। तो वीडियो का एक एक सेकेंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ऐसे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस ढूंढ रहे हैं, घर से ढूंढ रहे हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट वाला ढूंढ रहे हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए। चलो दोस्तों, सबसे पहले जो बिजनेस है ये हमारा स्क्रीन प्रिंटिंग बिजनेस है। तो यहाँ हम लोगों के पास 2 मशीन है, एक मैनुअल मशीन है और एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। दोनों का ही हम लोग एक एक करके डेमो बना के दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ प्रिंट होता है, कितना आसानी से प्रिंट होता है। अगर आप ये करते हो तो कैसे करोगे? तो सर स्क्रीन प्रिंटिंग बिजनेस क्या होता है? स्क्रीन प्रिंटिंग बिजनेस देखिए, जितना भी प्रिंटिंग का रॉ मटेरियल लगता है, जैसे आप मान लो कि कोई दुकान के लिए थली जो होता है तो थली में कुछ प्रिंट होता है, या जो दुकान वाला बिल देता है तो बिल में भी प्रिंट होता है। स्क्रीन प्रिंटिंग में तो बहुत सारे आइटम प्रिंट होता है, लेकिन हम लोग यहाँ 2-3 आइटम डेमो करके हम लोग दिखाएंगे कि कैसे प्रिंट होता है। अभी हम इसके ऊपर जो शादी का कार्ड होता है, कोई भी इन्विटेशन कार्ड, सिर्फ शादी नहीं, कुछ भी पेपर में जो भी प्रिंट होता है कैसे होता है। तो इसके लिए हम लोगों का चाहिए ये वाला फ्रेम चाहिए, जिसके ऊपर जो भी प्रिंट करेंगे। फ्रेम क्या होता है सर? ये सिल्क स्क्रीन बोलते हैं। तो ये फ्रेम एक कपड़े के जैसा ही है, सिल्क के है। अच्छा। इसको मेश बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रहता है, इसके ऊपर जो भी चीज प्रिंट करना है उनको उठाना पड़ता है। तो ये जैसे कि यहाँ पे हम लोग सब जो इन्विटेशन में जिनके जिनके नाम है, हाँ, वो प्रिंट यहाँ पे किया हुआ है। अब इसको ऊपर कैसे प्रिंट होगा वो हम दिखाएंगे। ये भी आपकी तरफ से मिलता है? हाँ, ये तो हमारे यहाँ ही मिल जाएगा। ये तो ऐसे प्लेन होता है, उसके ऊपर ये जो प्रिंट करना है तो ये कैसे करना है, ये लोग ये सारे कुछ हम लोग ट्रेनिंग में बताते हैं या सिखाते हैं, ताकि आप ये सीख के ये प्रिंट कर पाओ। तो जो भी पहले प्रिंट करना है, इसके लिए पहले ये टेबल के ऊपर रखना पड़ता है। ऐसे रखने के बाद हम लोग ये जो ढांचा है या ये जो स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन है इसको हम सेट कर लेंगे। अच्छा, इसको स्क्रीन बोलते हैं, इसलिए स्क्रीन प्रिंटिंग बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, बस ये स्क्रीन हम लोग सेट कर लिया और इसके ऊपर हम लोग इंक देंगे, कोई भी कलर का इंक हम डाल के प्रिंट। हाँ हाँ, जो भी कलर का प्रिंट करेंगे उसके ऊपर वही कलर का इंक दे देंगे। देखिए बस इसको ऐसे करना है, बस प्रिंट हो गया। बहुत ही ज्यादा सुंदर, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखा। हाँ।
ये सबके नाम है क्या? हाँ, ये इनविटेशन कार्ड में जो जो बनता है। वाओ, तो ऐसे करके हम लोग सारे दिन में बहुत मतलब बहुत प्रिंट कर सकते हैं, प्रोडक्शन करते रहेंगे। हाँ, तो ऐसे ये मैनुअल प्रोसेस है जो जितना हम कर सकते हैं उतना करेंगे। और इस क्वालिटी भी बहुत सही आ रही है सर। हाँ, क्वालिटी में तो कोई दिक्कत है नहीं, एकदम बढ़िया सा प्रिंट होगा। ये हमारा दूसरा मशीन है जो सेमी ऑटोमेटिक स्क्रीन प्रिंटिंग होता है। पहले वाला मशीन तो हम लोग पूरा मैनुअली किए हैं, अभी ये थोड़ा ऑटोमेटिक में कैसे बनता है सेमी ऑटोमेटिक में, तो ये भी हम लोग करके देखेंगे। अभी हम लोग ये इस मशीन के साथ जो पोस्टर बना रहे हैं जॉब वैकेंसी के साथ, तो ये इस तरह का पोस्टर हम लोग ये मशीन में बना सकते हैं। तो यहाँ पे पहले से स्क्रीन लगा हुआ है? हाँ, पहले वो स्क्रीन तो सेमी है। इस तरह का पोस्टर मतलब वहाँ तो हम मतलब उसमें इसमें हाथ का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, नीचे पेपर देंगे, पेपर देके इसमें सिर्फ मशीन से ऑपरेट करेंगे, प्रिंटिंग हो जाएगा। वाह, बस ये हम लोगों का प्रोडक्ट निकल गया। ओके, तो ये पहला जो हमारा बिजनेस है वो पहले स्क्रीन प्रिंटिंग का ही चल रहा है। हाँ, और तीन बिजनेस बाकी है। तीन बिजनेस बाकी है जो हम आगे दिखाएंगे। एक ही मशीन से आप बहुत सारे आइटम के ऊपर प्रिंट कर सकते हो, जैसे ये बैग में प्रिंट हो सकता है, ऐसे पेपर में हम इनविटेशन कार्ड किए हैं, पोस्टर किए हैं, ये मनी रिसीव है वो किए है, और ये बिल चलान, ये तो हर कोई इंडस्ट्री में लगता है। राइट। तो ये कैश मेमो इनवॉइस जो भी होता है, ये कोई भी इंडस्ट्री छोड़ के तो ये नहीं होगा, मतलब ये लगेगा ही लगेगा। ये इनविटेशन कार्ड है ऐसे, इसके ऊपर हम लोग प्रिंट किए नहीं लेकिन कर सकते हैं, जैसे आप लोग देखे हैं। तो ऐसे भाउचर बन सकता है, ऐसे लेटर हेड बन सकता है। तो सर, ये जो प्लेन इनविटेशन कार्ड होते हैं वो मिल जाते हैं क्या मार्केट से? हाँ, ये लोकल मार्केट से मिल जाता है, या तो हमारे पास भी मिल जाएगा। अगर कोई अगर हमसे सामान लेना चाहते हैं तो यहाँ से भी ले सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे इंडस्ट्री को प्रिंटिंग सर्विस देते हो। हम लोग का इंडस्ट्री जैसे स्कूल है, ऑफिस है, लोकल शॉप है, या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इंडस्ट्री छूट नहीं जाएगा आपसे। ओके, तो सर अभी मेन बात आती है प्रॉफिट की। समझो हम लोगों ने ऐसा सब कुछ प्रिंट भी कर लिया, राइट, अब बनाने की कॉस्टिंग क्या आती है, बिकता कितने में है, वो जरा हमारी व्यूअर्स को समझाइए। देखिए, ये प्रॉफिट हम लोगों का जो काम होता है बल्क में होता है, कोई एक दो पीस तो बना नहीं सकेगा, बनाने का ऑर्डर भी नहीं देगा। इसमें प्रॉफिट प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं और कितना बना रहे हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के लिए बुकलेट को अगर पकड़ के चले कि ये बुकलेट कैसे बनता है या इसका प्रॉफिट कितना निकलता है, तो ये हम लोग 1000 बनाएंगे तो करीब 400-500 रुपए हम लोगों का प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। 1000 मतलब ये से ये 1000? नहीं नहीं, ये 1000 का एक बंडल नहीं, ये 100 का बंडल होता है, ये 10 बंडल होता है। right. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही लेता है। right. ये 1000-2000 पीस ऐसे करके। तो सर, ये बैक पर कितना प्रॉफिट हो जाता है? तो अगर हम लोग ये बैक प्रिंट करते हैं तो ये प्रिंटिंग कॉस्ट आता है 50 पैसे, और ये बैक करीब 2 रुपए के आसपास आता है, तो 50, और इसके लिए हम लोग प्रिंटिंग 2 रुपए चार्ज कर सकते हैं। ये बैग मार्केट में मिलता है 4 रुपए करके। right. तो अगर 4 रुपए पड़ता है तो 1000 बैग का अगर ऑर्डर ले लिया हमने, तो 1500 रुपए ये एक ही बैग का कस्टमर से हम लोग प्रॉफिट आ गया। अभी सिर्फ एक दिन में तो यही काम नहीं करना है, और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। right. अगर ये सही से करते हैं तो दो तीन कस्टमर को काम करेंगे तो अब 1500 या छोड़ो 1000 रुपए करके भी पकड़ लो तो 3000 रुपए का तो मुनाफा आ ही सकता है। तो सर, इसमें प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी आती है? हर एक आइटम के लिए अलग अलग होता है कि एवरेज कितना आता है? 50 पैसा या उससे भी कम आता है, क्योंकि इसमें आप लोग देखे बहुत सारे कम इंक लगा है। right. तो इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं कि इतना बहुत ज्यादा कॉस्टिंग तो है नहीं, बहुत कम मार्जिन है, लेकिन इसमें अगर आप खुद कर पाओ तो अपना मेहनत देके आप बहुत इनकम कर सकते हो। तो स्क्रीन प्रिंटिंग का पूरा सामान जो लगता है, तो स्टार्टिंग के लिए ये सब कुछ किट ये लोग ये हमारे पास मिल जाएगा, तो आप हमसे मंगवा सकते हैं। जैसे ये एक सैंपल हो गया। हाँ, एक सैंपल हो गया, और ये इंक हो गया, ये टेबल के लिए सेटअप के लिए जितना भी सामान के जरूरत पड़ता है ये सब मिला के एक किट हम लोग बनाया, जो हमसे ऑर्डर करके आप ले सकते हो। दोस्तों, हम लोगों का जो दूसरा बिजनेस है वो भी प्रिंटिंग इंडस्ट्री में लगता है, ये है स्टैम्प वाला। आप सोचो कि कोई भी बिजनेस में ये स्टैम्प तो बनता ही है, आप लोग बहुत सारे सब जगह पर दिखे हो स्टैम्प लगता है। स्टैम्प लगता है। एक 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 छोटा सा बात हम बताना चाहते हैं कि हर बिजनेस में तो अकाउंट होता है। राइट। जो बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए स्टैम्प बनता है।
और चेक में भी स्टैम्प लगता है, तो आप सोचो कितना स्टैम्प का रिक्वायरमेंट पड़ता है। और स्टैम्प बनाने के लिए सिर्फ हमको ये मशीन लेना पड़ता है और एक कंप्यूटर प्रिंटर तो पहले से ही है हम लोगों के पास। कंप्यूटर प्रिंटर चारों बिजनेस के लिए कंपलसरी है क्या? हाँ, हम लोगों के पास जितना भी बिजनेस है कंप्यूटर प्रिंटर सबके लिए जरूरी है। सबसे पहले जो कंपनी ने आपको कोई स्टैम्प का ऑर्डर दिया है तो सबसे पहले आपको ऐसे उनका नाम एक ट्रेसिंग पेपर में निकालना पड़ता है। ये ट्रेसिंग पेपर नॉर्मल प्रिंटर पे प्रिंट हो जाएगा? हाँ, घर का जो नॉर्मल लेजर प्रिंटर है उसी से निकल जाएगा। ये जो ट्रेसिंग पेपर है तो इसको एक फोम के ऊपर ऐसे रख के लगाना पड़ता है। तो हम लोग एक को लगा के रखे हैं ऐसे ही सेलोटेप से, तो सर्कल काट करके ऐसे चिपका देना। हाँ, फोम के ऊपर। हाँ, उसके बाद इसको ये मशीन में रख के सिर्फ आपको 3 फ्लैश करना है। तो ये मशीन हमने ऑन कर लिया, ऑन करके इसको रखा, इसको इसके ऊपर रख लिया। तो ऐसे देखो ये पूरा ग्रे कलर का है, राइट? ठीक है, तो इसको अगर हम लोग ये बन जाएगा तो इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। ऐसे लगा लिया, अभी ये वाला बटन है इसको एक बार दबा दिया, एक फ्लैश बन हो गया। अभी फिर से ये मशीन स्टार्ट होगा, ये हुआ दूसरा फ्लैश हुआ, फिर मशीन रेडी होगा, रेडी हो गया तीसरा फ्लैश। बस ये सिर्फ इतना ही काम है। अभी देखो ये काला हो गया, पहले तो ग्रे था, अभी ये काला हो गया। ओके, ये स्टैम्प हमारा बन गया। हाँ, तो बनने के बाद ये क्या होगा कि इसको ऐसे बन गया और इसको ऐसे बॉडी मिलता है, इसको इंक से इसको डीप करना पड़ता है। अच्छा। डीप करने के बाद सिर्फ इसको लगा लिया, बस हम लोगों का स्टैंप रेडी। वाओ, तो सैंपल दिखा दीजिए सर रेडी स्टैंप का। कौन सा स्टैंप होता है ये? फ्लैश स्टैंप बोलते हैं, प्री इंक वाला। प्री इंक मतलब पहले का तो स्टैंप था कि एक इंक पैड में देके फिर लगाना पड़ता है, लेकिन ये पूरा पहले से ही प्री इंक रहता है। ओके, इसमें बार बार इंक में डुबाने की जरूरत नहीं पड़ता, ये इजी टू कैरी है, मतलब ये कहीं पर भी आप ले सकते हो। इसको ऐसे जो हम लोग बनाया था तो यही बन चुका है। वाओ वाओ, ये एक ही बार बनाने से 5,000 से 7,000 पी इंप्रेशन चल जाएगा। तो सर इसमें मुनाफा कितना होता है? देखिए पहले ही बताया ये 200 से 250 रुपए के बीच में ये सेल होता है, लेकिन ये बनाने का कॉस्ट सिर्फ 50 रुपए है। वाओ, तो अगर मान लो आप 5 या 10 स्टैम्प का ऑर्डर हर दिन ले रहे हो तो 1,500 रुपए इसी मशीन के साथ इसी टेबल में आप बना सकते हो। इतने छोटे से सेटअप इतना छोटे से सेटअप में आप महीने में आप 40 से 50,000 रुपए के बीच में इनकम कर सकते हो। तो सर अगर किसी को प्रिंग स्टैम्प बिजनेस शुरू करना तो इन्वेस्टमेंट कितने आएगी? तो इन्वेस्टमेंट करीब आपका 25,000 रुपए के आसपास में हो जाएगा। तो सर रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा? हाँ, सब कुछ मिल जाएगा। 25,000 रुपए से ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। तीसरा जो हमारा बिजनेस है वो है आई कार्ड बनाने का काम। तो अभी हम लोग प्रिंटिंग इंडस्ट्री में ही है, तो जैसे स्कूल ऑफिस सबका ही आई कार्ड का रिक्वायरमेंट लगता है। इन आई कार्ड का मार्केट में बहुत डिमांड भी रहता है और प्रॉफिट भी अच्छा रहता है, तो ये आई कार्ड हम लोग यही दो सेटअप से बना सकते हैं। वाओ, तो जैसे हम लोग पहले भी बताया प्रिंटर और कंप्यूटर कॉमन है ये चारों बिजनेस के लिए। जैसे आपका कोई भी ऑर्डर आया आई कार्ड का तो अपना प्रिंटर से ये प्रिंट करके निकालना पड़ता है। तो ये प्लास्टिक का एक शीट होता है जिसमें हम प्रिंट करते हैं। सर अभी मेन बात आती डिजाइनिंग की, हर इसमें डिजाइन होता है, अभी जैसे इस पे कैसे सर्कुलर डिजाइन है नाम वगैरह। हाँ। तो ये सॉफ्टवेयर अलग से होता है, कोई भी सीख सकता है, कैसे होता है? देखिए जो ग्राफिक्स डिजाइन है वो तो कोई भी सीख सकता है, जो सीखना चाहते हैं वही सीख सकता है, और इसके लिए हम लोग भी ट्रेनिंग देते हैं। अगर कोई कुछ भी नहीं जानता लेकिन उनको करना है तो एकदम शुरू से आखिर तक हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे। ये जैसे हम लोग प्रिंट किए हैं तो ये चारों एक साथ है, तो इसको हम पहले काटेंगे। एक को काट लिया, उसके बाद इसका जो राउंड कॉर्नर राउंड होता है ऐसे, तो ये इसी मशीन के साथ ये होता है। अच्छा, इसमें डाल देना ऐसे? हाँ। ओके, ऐसे इसमें को डाल के इसको सिर्फ ऐसे। वाओ, बस ये काट हो गया राउंड कटिंग वाला। वाओ, ये राउंड कट हो गया। ये पीवीसी शीट है, ये भी हम काटेंगे। ये पीवीसी शीट भी काट लिया, अभी इन दोनों को हम लेमिनेट करेंगे। एक प्रोटेक्शन लेयर है जिसको उठाना पड़ता है, ये प्रोटेक्शन लेयर को हमने उठा लिया। ओके, तो उसके ऊपर इसको ऐसे बिठा के हमको लेमिनेशन करना है। जैसे हम लोग इसको अभी लेमिनेशन करेंगे
तो लेमिनेशन करने के लिए एक पेपर वाला शीट इसको अंदर डाल देंगे ये मशीन में, ये हम चला देंगे। ये लेमिनेशन मशीन होता है? हाँ, ये लेमिनेशन मशीन होता है। तो सर ये आईडी कार्ड बिजनेस के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लग जाता है तो भी इतनी छोटी जगह में शुरू करने के लिए? देखिए सिर्फ आई कार्ड बनाने के लिए ये 5-10 हज़ार रुपए में ही शुरू हो जाएगा बिजनेस। ओके, और इसका रॉ मटेरियल वगैरह आसानी से मिल जाएगा? हाँ, ये रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाएगा, आप कोई भी रॉ मटेरियल के लिए हम लोग से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मस्त बना है, चमक भी रहा है। हाँ एकदम, इसको अभी ऐसे पाउच के अंदर डालना पड़ता है। ओके, और ये सर जो ये प्लेन पाउच ये भी मिल जाता है? हाँ ये तो पाउच भी मिलता है। तो सर ये आईडी कार्ड बनाने के बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो जाता है? देखिए एक कार्ड का हम लोग जो जैसे बनाया इसमें 5 रुपए वाला खर्चा है। अच्छा, इसमें 5 रुपए खर्चा हुआ, लेकिन ये मार्केट में आपको कई मतलब ये तो कस्टमाइज होगा, तो कस्टमाइजेशन के लिए ये आपको करीब कस्टमर 70 से 100 रुपए तक दे देगा एक आईडी कार्ड के लिए। अगर दिन में आप जहाँ से भी ऑर्डर आया, 100 पीस का ऑर्डर आया, 70 × 100 मतलब 7,000 रुपए तो इससे भी आप दिन का कमा सकते हो। लेकिन बात यह है कि आपको हर ये जो चारों बिजनेस दिखाया हमने, ये 3 नंबर चल रहा है, तो ये तीनों मिला के आपको बहुत सारे प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों हम लोगों का जो चौथा और लास्ट बिजनेस है वो है सब्लिमेशन प्रिंटिंग। राइट, तो इसमें क्या होता है कि एक जो स्कोप है मोबाइल कवर, तो आज सोचो कि किसके पास मोबाइल नहीं है, और हर मोबाइल में कवर होता है, और हर कोई चाहता है कि अपना कस्टमाइजेशन, तो जैसे हम लोग भी अपना कस्टमाइजेशन किए हैं, तो ये सब मोबाइल कवर हम इनसे प्रिंट कर सकते हैं। तो हम लोग एक करके भी देखेंगे कैसे ये प्रिंट होता है, और ये मशीन में मोबाइल कवर छोड़ के और क्या क्या चीज़ प्रिंट होता है, क्योंकि करीब 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट इसी मशीन से प्रिंट हो सकता है। तो एक मोबाइल कवर को हम प्रिंट करके देखेंगे। अब ऐसे ब्लैंक कवर आते हैं, और उसके ऊपर जिसमें प्रिंट होता है वो भी ऐसे आता है, और डिज़ाइन भी हम लोगों के पास है। ये डिज़ाइन अपन ने प्रिंट कर दिया ना प्रिंटर से? ये पेपर ये प्रिंटर से हम लोग प्रिंट कर लिया, तो उसके ऊपर ये इससे हम प्रिंट करेंगे। और ये सर रॉ मटेरियल वगैरह जैसे फोन का जो है ये कहाँ से? ये रॉ मटेरियल हमसे आपको मिल जाएगा, जो ये हम लोग जिस ये पूरा हर फोन का मिल जाएगा, हर फोन का कवर मिल जाएगा, और ये पूरा बिजनेस ये चारों बिजनेस के लिए जितना भी कुछ सामान का रिक्वायरमेंट होगा या मशीनरीज लगेगा, सो वो सब कुछ हमसे मिल जाएगा, ट्रेनिंग भी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। पहले हमको जिसमें प्रिंट करना है उसको ऐसे बिठा के हमको टेप लगाना पड़ेगा। रख दो, ऐसे टेप लगा लिया, उसके बाद हम लोग ये मशीन में ऐसे बिठा के इसके ऊपर और एक कागज़ डाल देंगे, डाल के हम लोग ये मशीन में हम लोग हीट प्रेस कर लेंगे। वाह, तो ऐसे हीट प्रेस कुछ सेकंड लगेगा जो बनने के लिए। तो और उस टाइम में हम लोग ये मशीन से क्या क्या बना सकते हैं, जैसे ये बन चुका, ऐसे कुशन बना सकते हैं हम लोग ये वाटर बोतल जो होता है ऐसे प्रिंट कर सकते हैं कस्टमाइजेशन में, मॉक बना सकते हैं। वाह, इनका सबका रॉ मटेरियल मिल जाएगा। ऐसे स्टोन है, ऐसे टाइल्स है, एक टी शर्ट में भी हम प्रिंट कर सकते हैं मल्टी कलर में। okay. तो ये जैसे डार्क कॉटन वाला टी शर्ट है, ये जो शोपीस है, मतलब किसी को अगर गिफ्ट करना है तो ऐसे ये शोपीस भी हम लोग बना सकते हैं, ये घड़ी भी बना सकते हैं। ओके, ये भी शोपीस है, ये सब कुछ हम लोग बना सकते हैं इसी एक ही मशीन के साथ। तो इसके बहुत सारे डिजाइन आता है, करीब हमने पहले भी बताया 200 से ऊपर ये प्रोडक्ट होता है। ये हमारा प्रिंट कंप्लीट हो गया है, इसलिए मशीन बीप दे रहा है, तो इसको हम हीट रिलीज कर लेते हैं। हीट रिलीज के बाद वाओ, ये जो प्रिंट हो गया मस्त है क्वालिटी। क्वालिटी देखो बहुत, तो इसको सिर्फ इसके ऊपर रख के हमको कस्टमर को डिलीवर करना है बस। अच्छा, कवर। तो ये चीज़ के लिए, ये सामान के लिए आपको कुछ भी पैसा कस्टमर देने के लिए तैयार है, क्योंकि ये मार्केट में मिलता नहीं। ओके, और सर अभी मेन बात आती है प्रॉफिट की, इसमें प्रॉफिट कितना होता है? ये अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोग लेते हैं, जैसे कप हो गया, उसके बाद टी शर्ट वगैरह हम लोग इस पर प्रिंट कर सकते हैं। देखिए अगर सब्लिमेशन के लिए भी हम कम करते हैं, जैसे हम लोग चार बिजनेस तो बताए, तो चार बिजनेस में कोई एक बिजनेस से भी आप शुरू करो या चारों एक साथ करो, हम लोग तो चारों एक साथ करने के लिए बोलेंगे कि आप चारों एक साथ करो, हर दिन
किसी का काम तो चलता ही रहेगा, कोई ऐसा दिन नहीं जाएगा कि आपको काम नहीं आया। तो अगर आप सब्लिमेशन भी करो और दिन का 4-5 प्रोडक्ट भी बना सकते हो या 100 प्रोडक्ट भी बना सकते हो, तो हर कोई में आपको दिन में 1000 रुपए का प्रॉफिट तो देके ही जाएगा। तो सर अभी इसमें कितना प्रॉफिट हो जाता है सब्लिमेशन आइटम्स में? हर कोई प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है, हर प्रोडक्ट का प्राइस भी तो सेम नहीं होता है। तो हर प्रोडक्ट के लिए आप कोई भी प्रोडक्ट पकड़ लो, 200 से 250 रुपए तक तो प्रॉफिट आ ही जाता है, उससे ज्यादा भी होता है, कुछ कुछ प्रोडक्ट में थोड़ा कम भी हो सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए ये इसको हम मान के चले कि इसके लिए कितना प्रॉफिट होता है, तो इसके लिए आपको करीब आपका 300 रुपए प्रॉफिट देगा ये एक चीज प्रिंट करने के लिए, एक आइटम प्रिंट करने के लिए। इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है ये 35 से 40 हजार रुपए के आसपास में इन्वेस्टमेंट होगा, रॉ मटेरियल, मशीन, प्रिंटर सब कुछ मिला के। ऐसे मशीन तो बहुत सारे आदमी बेचते हैं और रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा, लेकिन इसको करना कैसे है तो ये सब कुछ हम लोग ट्रेनिंग में सिखाते हैं। तो सर ट्रेनिंग में आप क्या क्या सिखाओगे? देखिए ट्रेनिंग में सबसे पहले जो पार्ट है वो है मार्केटिंग, ठीक है, क्योंकि बिजनेस तो आप कर लोगे लेकिन मार्केटिंग के लिए कस्टमर कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये ट्रेनिंग में मार्केटिंग सिखाते हैं। उसके बाद हम लोग सिखाते हैं प्रोडक्ट नॉलेज। अब कुछ भी जो जो प्रोडक्ट हम लोगों के पास है तो उसका तो प्रोडक्ट नॉलेज भी तो आपको चाहिए, बिना प्रोडक्ट नॉलेज में आप तो कैसे कर पाओगे बिजनेस। तो इसीलिए प्रोडक्ट नॉलेज के लिए हम लोग एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद आता है ग्राफिक्स डिजाइन। जो आपको कोई भी कस्टमर कुछ भी लिखने के लिए बोलेगा तो उसके लिए तो कुछ डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस में कोई लॉस नहीं है, इसलिए क्योंकि प्रिंटिंग से पहले हम दिखा सकते हैं कि ये प्रिंटिंग आपको प्रिंटर कैसे चलाना है, कंप्यूटर कैसे चलाना है, ये पूरा सब कुछ ट्रेनिंग यहाँ हो जाता है ग्राफिक्स डिजाइन के साथ। और आखिर में जो आता है प्रोडक्ट मेकिंग। हाँ, जो इतने सारे बिजनेसेस देखे जो चारों बिजनेस में, उसमें प्रोडक्ट कैसे बनता है वो मेकिंग। तो ये जैसे एक बिजनेस होता है तो ऐसे ये बिजनेस का भी चारों पहिया होता है, ठीक है। तो ये चार पहिया है इसलिए ये पूरा बिजनेस खड़ा है। तो आपको सीखना है तो ये चारों चीज आपको सीखना पड़ेगा ये बिजनेस करने के लिए। तो सबसे खास बात है हमारा ट्रेनिंग के कि ये बिजनेस हम एकदम जीरो से शुरू किया। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब से शुरू किए थे, अब अभी तो करीब 16 साल हो गया। और ये बिजनेस हम जो लोग जो ट्रेनिंग देता है तो शुरू के दिन से ही आप लोग हमारे ट्रेनिंग लेके अच्छा प्रोडक्ट बना सकोगे। ऐसे आप अगर खुद मशीन खरीदोगे तो उसमें क्या होगा कि आप कुछ प्रोडक्ट बनाओगे अच्छा होगा, मतलब जो गलतियां है वो आप सीख लोगे ट्रेनिंग में। हाँ, यही बात है कि आप पहले ही ना अगर सीख जाओगे तो पहले दिन से ही कॉन्फिडेंस के साथ आप सही से का प्रोडक्ट बना सकोगे। और ये तो कस्टमर का भी चाहिए कि सही प्रोडक्ट दे जो हम जिसके साथ हम काम करें। तो चारों बिजनेस के लिए आप ट्रेनिंग एक साथ भी ले सकते हो या एक एक बिजनेस का भी ट्रेनिंग ले सकते हो। और ये ट्रेनिंग रहता है हमारा वर्कशॉप ट्रेनिंग होता है, ऑनलाइन में भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। अगर आप बहुत दूर से हो आ नहीं पाओगे तो वीडियो के जरिए भी लाइव ट्रेनिंग करवा सकते हैं। और हम चाहेंगे कि आप आओ, क्योंकि ये बिजनेस है, ये तो कोई इन्फॉर्मेशन वाला काम नहीं है। ये अगर सीख पाओगे तो दुनिया के कोई भी कोने में जाके आप बिजनेस अपना खड़ा कर पाओगे या बड़ा भी कर पाओगे।